नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉले नोर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 28 दिसंबर सन 2016 को कानपुर के रूरा रेलवे स्टेशन के पास हुए अजमेर सियालदह एक्सप्रेस के हादसे के बारे में जानेंगे कि यह हादसा कैसे हुआ और इसका जिम्मेदार कौन था। दोस्तों ये घटना है 28 दिसंबर सन 2016 की, जहाँ पर ट्रेन नंबर 12987 सियालदह अजमेर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से सियालदह से खुलती है और यह वर्धमान, आसनसोल, धनबाद, कोडरमा, प्रयागराज, कानपुर होते हुए अपने जो है गंतव्य की तरफ जा रही थी। दोस्तों ये जो समय था वो बहुत ही जो है सर्दी का मौसम होने के कारण कुहरे वाला टाइम था और बहुत ज़्यादा उस समय फॉग थे। इसके कारण ये ट्रेन जो है अपने निर्धारित समय से लगभग 12 घंटे देरी से चल रही थी। दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या कि ट्रेन जैसे ही कानपुर रेलवे स्टेशन को पार करके रूरा रेलवे स्टेशन से गुजरती है तो वहां पर एक छोटी सी पुलिया थी जिसमें कि पानी वगैरह नीचे नहीं था और ट्रेन जैसे ही उस पुलिया को पार करती है ट्रेन के 6 डब्बों को छोड़कर उसके पीछे के बाकी जो 15 डब्बे हैं वह डीरेल होकर नहर में गिर जाते हैं। दोस्तों हादसा इतना भयानक होता है कि कोच आप देख सकते हैं चूंकि ICF होने के कारण एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और यहाँ पर इस हादसे में प्राप्त जानकारी के अनुसार 44 लोग घायल हुए थे और लगभग 5 लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही ट्रेन जो है पुलिया को क्रॉस करती है अचानक से इसके डिब्बे जैसे ही डीरेल होते हैं तो यहाँ पर अब सभी के दिमाग में सिर्फ यही सवाल आएगा कि जब ट्रेन इतने अच्छे से चल रही थी तो अचानक से ऐसा क्या हुआ वहां पर, किस तरीके से उसके ट्रेन जो है कोच उसके डीरेल हो गए। तो दोस्तों होता क्या है कि जब कभी भी कोई हादसे होते हैं तो वहां पर जो जांच होती है तो पहली जांच होती है, उसके बाद CRS के द्वारा जांच कराई जाती है। लगभग जो है CRS का रिपोर्ट कहीं कहीं तुरंत आ जाता है लेकिन रेलवे में कई बार देखा गया है कि रिपोर्ट को आने में कई सालों लग जाते हैं या फिर वो रिपोर्ट आ ही नहीं पाते, कई सदियों गुजर जाते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, क्या कोई मानवीय भूल थी या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी या फिर किसी के द्वारा जानबूझकर ऐसा किया गया, तो दोस्तों शुरुआत में जब वहां पर यह हादसा हुआ तो बोला ये गया कि यहाँ पर फॉग बहुत ज्यादा थे, लोको पायलट सामने उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था जिसके कारण यहाँ पर ट्रेन के कोच डीरेल हो गए। दोस्तों ये बात पूरी तरह से रेलवे इनकार करती है क्योंकि यहाँ पर ऐसा जो है केवल फॉग होने से ये चीजें नहीं होती है। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक जांच में चीजें बताई गई वो सबको चौंकाने वाली थी। दोस्तों प्रारंभिक जांच में सामने रिपोर्ट ये आई कि हुआ क्या कि जब वहां पर सारी चीजों की छानबीन करी गई तो पाया ये गया कि जो ट्रैक्स थे वहां पर, वो ट्रैक्स जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से उसमें क्रैक्स पाया गया और इस क्रैक्स के चलते शुरुआत के जो 6 डब्बे, चूंकि क्रैक्स कम था तो वो तो गुजर गए लेकिन पीछे के जो 15 डब्बे थे वो जो है डीरेल हो गए क्योंकि क्रैक्स जो है चलने से ज्यादा हो गया था। अब इसका रीजन इसलिए यहाँ पर सामने लाया गया क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है ये जो मौसम था सर्दियों का मौसम था, दिसंबर का महीना था, उस समय जो है सर्दी काफी ज्यादा ठंडी रहती है और दोस्तों ठंडी के मौसम में होता क्या है कि रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं उसमें थर्मल एक्सपेंशन के कारण ट्रैक्स जो है फैलते और सिकुड़ते हैं। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि हर ट्रैक्स के जो 2 ज्वाइंट होते हैं वहां पर उनके बीच में गैप रखा जाता है ताकि ये ठंडी के गर्मी मौसम में सिकुड़ना या फिर गर्मी में फैलने से ये जो है एक्सपेंशन के कारण ये गैप देने से इसमें कोई भी क्रैक्स वगैरह ना आए और ये प्रॉपर जो है होते रहे। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे करके रेलवे करी क्या कि जो ये गैप है इनको यहाँ पर वेल्डिंग करके एक दूसरे से ज्वाइंट कर दी और लगभग 1-1 किलोमीटर के बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं एक स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है जो कि लगाया गया और इसमें प्रॉपर जो है ऑयलिंग ग्रीसिंग वगैरह करी जाती है ताकि जो है 1 किलोमीटर तक अगर एक्सपेंशन हो इस तरीके से तो ये ऑटोमेटिक जो है फैल या सिकुड़ सके, यहाँ पर ये क्रैक्स वगैरह आने की समस्या ना हो। दोस्तों रिपोर्ट में बताया ये गया कि वहां पर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होने के कारण ये जो है थर्मल एक्सपेंशन ये पूरी तरह से स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट जो है काम नहीं किया जिसके चलते ये ठंडी के मौसम में पटरियों में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रैक्स आए और इस तरीके से यहाँ पर डीरेल हो गए। दोस्तों ये जो रिपोर्ट है जो मैं अभी चीजें बता रहा हूँ रेलवे के प्रारंभिक जांच के अनुसार थी और यही सब लोगों ने माना। लेकिन बात करें अगर CRS रिपोर्ट की तो आप देख सकते हैं CRS रिपोर्ट की जो है रिपोर्ट आज तक अभी तक इस हादसे को लेकर नहीं आ पाई है कि CRS के द्वारा एक्चुअल में क्या बताया गया कि इस हादसे का असली वजह क्या है।
दोस्तों सीआरएस जो है धीरे धीरे करके बहुत सारे ठंडे बस्ते में चीज़ें चली जाती है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सामने देखने को मिला, जिसमें जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट है अभी तक पेंडिंग में ही पड़ा हुआ है। लेकिन जो चीज़ें वहाँ पर बताई गई उसके हिसाब से ही था कि ट्रैक्स में जो है क्रैक आने से इस हादसे हुए थे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आई होगी। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।